आज उसकी पुनः आवश्यकता है। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, जब लहू तुम्हारा टपकेगा, इस धरनी का रंग होगा लाल लाल, नतमस्तक काल हो काल काल में डालेगा जय माला माल। तब नवरत्न नाभा लेकर एक प्रभात आएगा, जब लहू में कल में डूबेंगी, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ये पार्टी एक नया इतिहास निर्माण करने के लिए आपके बीच में आई है। आप अधिक से अधिक सहयोग करके, हर प्रकार का सहयोग करके बहन को जिताएं और ज्यादा से ज्यादा मतपत्रों से आप इसको विधायिका बनाएं। देखना फिर आप किस प्रकार से देश में हम परिवार बनाएंगे, शान बनाएंगे। क्षेत्र की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से कि जहाँ पर यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसी कुछ सुविधाएं यहाँ पर हम लेके आना चाहते हैं। और इस समस्या का जो कारण है वो ये है कि बहुत थोड़े से लोगों के पास में बहुत सारा पैसा जमा हो गया है। करीब 1% लोगों के पास में 73% पैसा जमा है। इसी वजह से आज लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पैसा नहीं है। अभी बजट आया तो बजट के अंदर सरकारें कहती हैं कि हमारा बजट माइनस में है, ऑलरेडी कर्जों के अंदर है। उसकी जो मजबूरी, रोजगार की मजबूरी है, महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, शोषण से साधना का व्रत लेकर नैतिकता की ढाल भूमिका भार मिटाएंगे। कोई जो है 5,000-1,500 महीने में नहीं मिलता है और कोई 21 करोड़ रुपए महीने में ले जाता है। यह जो है देश की पैसे की लूट है, धन की लूट है। इसलिए असमानता है, गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है। इसलिए नया इंसान बनाएंगे, विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के नया संसार। परंतु उसके खरीदार नहीं है। हमारे दुकानदार भाई कहते हैं आजकल धंधा बहुत मंदा चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के जेब में पैसा है, जो उस पैसे से केवल उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन जो उपभोक्ता है उसके जेब में पैसे नहीं है। अगर इन संसाधनों का हम उचित रूप से बंटवारा करें तो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में इतना पैसा जरूर हो सकता है कि वो बाजार में जाकर के अपने मूलभूत आवश्यकताओं की चीजों की खरीदारी करे, और उस खरीदारी से बाजार में रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार देंगे नया इंसान बनाएंगे। बात यह है कि पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है, इसके लिए सुचारू रूप से हम काम करेंगे ताकि हर मानव को, यहाँ के रहने वालों को सुचारू रूप से पानी पीने का सौभाग्य मिले। युग बदलेगा।